जिले में अवैध मादक पदार्थ करी का कारोबार जमकर चल रहा है। हालांकि पुलिस कभी कभार छुटपुट कार्यवाही कर वाहवाही लूटती है। लगातार कबाड़ी मोहल्ले में नशीली कप सिरप और गांजे की बिक्री हो रही है। कबाड़ी मोहल्ले में आ रही गांजे की खेप की सूचना मुखबिर के द्वारा चौराहटा पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त नशीली कप सिरप को बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल मामला चौराहटा थाना क्षेत्र के बैजनाथ से मध्य पूर्व मार्ग में संचालित 53 एकड़ माइंस खदान का बताया जाता है, जहां पुलिस ने दबिश देकर उत्तर प्रदेश की पासिंग फोर्ड एंडेवर कार में लोड 3015 सीसी नशीली कप सिरप बरामद की है, जिसकी कीमत 4,52,000 से अधिक बताई जाती है। पकड़ी गई कोरेक्स के आरोपी मौके से फरार बताए गए हैं। हालांकि बताया जाता है कि की गई कार्यवाही में भी झोल है। फिलहाल आइए सुनते हैं कि की गई कार्यवाही के संबंध में थाना प्रभारी अवनीश पांडे का क्या कहना है। ये कोरेक्स की कार्रवाई हुई है क्या? कल मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने कार्रवाई करी थी, जिसमें एक इंडिवर गाड़ी और उस गाड़ी में 3000 से ज्यादा शीशियां कोरेक्स की मिली हैं। आरोपी ने गाड़ी को तेज़ी से भागा के खेत में डाल दिया था और वो वहाँ से अंधेरे का फायदा लेके भाग गया था। लोगों ने गाड़ी जब्त कर ली है और 3000 सीसी कोरेक्स, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है और गाड़ी की कीमत इंडिवर गाड़ी काफ़ी महंगी होती है, 20-22 लाख रुपए जब्त हो गए। आरोपियों के नाम सामने आए हैं, कौन है आरोपी? अभी इसमें आरोपियों के नाम सामने नहीं आए हैं। वाहन के चूँकि UP नंबर वाहन है, अपन RTO के माध्यम से जानकारी लेके उसके चेसिस नंबर इंजन नंबर के आधार पर जो भी आरोपी होंगे उनको अपन चेंज। ये सतना तरफ से रीवा आ रही थी, अब कहाँ जाना था इसका पता तो आरोपी के पकड़े जाने पे पता चलेगा।